सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं आ गया हूं एक और माइनक्राफ्ट वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं आपको दूंगा दुबई सिटी का डाउनलोड लिंक ओलंपिक्स के साथ। तो गाइस, ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि पहले मैंने दो गेम्स नहीं बनाई थी, जो कि थी एक बोट रेस वाली और एक थी दूसरी गेम, क्या नाम था उसका, एलाइट्रा वाली गेम थी। उसके अलावा पहले मैंने तीन गेम्स बना दी थी, एक TNT वाली, एक चिकन वाली और एक थी माइनक्राफ्ट वाली। तो वो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ दूंगा, दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नहीं होते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो चलें, आप चलते हैं उस हिस्से की तरफ। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये दुबई सिटी के बिल्कुल साइड पे मैंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले गेम थोड़ी सी लोड हो ले, उसके बाद फिर मैं इस साइड पर चला जाता हूँ। इस साइड पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गेम्स बनाई हुई हैं मैंने। तो उन्होंने जो ज़मीन पर कॉबलस्टोन वगैरह लगाए थे वो बस मैंने नहीं लगाए, तो और उसके साथ मैंने वो भी नहीं लगाई, फेंसेस लगी हुई थी वो भी नहीं लगाई मैंने। तो आगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाती है TNT वाली गेम। इस गेम में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो मैंने एक ब्लॉक छोड़ा है यहाँ पे आपको बटन लगाना है, दरमियान में आपको खड़े होना है और बटन को दबा देना। आपको चाहिए एक वाटर बकेट, वो आप पकड़ सकते हैं, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर आप नीचे गिरेंगे जब हवा से, तो आपको वो वाटर बकेट ट्रिक करनी है इसमें। तो बस यही है इस गेम में। तो उसके बाद इस साइड पर चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनक्राफ्ट वाली गेम है। तो इस साइड पे मैं ये चेस्ट रख दी है, इस चेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा क्रॉसबो, बो और एरो। इसके अलावा इस गेम में करना क्या होता है, इस गेम में आपको माइनक्राफ्ट पड़ी है, आपने बस इसको शॉट्स मारनी है। ये अंदर जो बो पड़े हुए हैं, एरो पड़े हैं, इसे आपको शॉट्स मारनी है। जितने आपने ग्राए पहले वाले का आप अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स रख सकते हैं, एंड वाले का सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा। तो ये गेम है बस इसमें, और इसमें मैंने ये किया कि उनकी गेम में पीछे वाले ऊपर थे और मैंने बस इस तरह सीधे कर दिए। इसको भी मैं आगे ठीक कर दूंगा। और इस साइड पे जाएंगे तो ये भी मैंने लास्ट अपडेट में दिया हुआ था, लास्ट वाली वीडियो में। तो ये थी चिकन वाली गेम। ये चिकन वाली गेम में मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी आप प्लेयर खेल रहे हैं, दो खेल रहे हैं, चार खेल रहे हैं, छः खेल रहे हैं, तो इस तरह करना है कि आपको ये दो टीम्स बना लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो कलर भी लगा दिए हैं, एक ब्लू टीम और एक रेड टीम। यहाँ पे चेस्ट पड़े हैं, इसके अंदर मैंने वो रख दिया है, क्या नाम है इसका, फिशिंग रॉड। और यहाँ पे आपको करना क्या है, एक टीम इस साइड पे खड़ी होगी और एक टीम लेफ्ट पे होगी, एक टीम राइट पे होगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे खड़े होकर आपको उस जगह वाली सारी जो चिकन्स हैं वो अपनी तरफ करने हैं, तो जिसने सबसे पहले कर लिया वो जीत जाएगा। तो यही बस गेम है इस तरह। और ये दरमियान में वैसे एक ग्लास लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी आप पकड़ के अपनी तरफ कर सकते हैं चिकन्स को। और यहाँ पे आए तो सबसे पहले मैं इसको पहले यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो इस साइड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा एक रास्ता। तो ये ऊपर पहाड़ पे था, तो ऊपर पहाड़ पे जाने की मुश्किल होती थी, तो मैंने ये कर दिया, क्योंकि पहाड़ पे कोई कोई ब्लॉक दो ब्लॉक्स भी ऊँचे होते थे तो उसमें मसला हो जाता था। तो मैंने यहाँ पे रास्ता बना दिया, जहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो सामने वाले एरो को तो आपका बंदा तेज़ भागता है। यहाँ पर आ जाती है बोट रेस वाली गेम। तो यहाँ पर चेस्ट में मैंने अंदर रख दिया है बोट। तो यहाँ पर बोट चलाना काफ़ी मुश्किल होता है इस जगह पर, तो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊँगा। तो बोट रेस वाली गेम मैं आपको बता दूँ पहले ही कि ये मैंने बिल्कुल सेम वैसी नहीं बनाई, तो अभी मैं आपको थोड़ी सी चेंज की है मैंने। तो यहाँ से मैं अभी आपको बोट चला के दिखा देता हूँ। तो मेरे से एक और बोट स्पॉन हो गई है, तो मैं इसको पहले यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। और अब मैं बोट चला के देखता हूँ कि चलती है कि नहीं। और गाइस, यहाँ पे मेरी बोट चलना शुरू हो गई है, ये देखें, ये आइस के ऊपर बोट कंट्रोल में नहीं रहती है, देखें आप जिसको जितना मर्ज़ी घुमा लें। और मैंने रास्ता भी इस तरह का बनाया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा फिसलेगी बोट इसके आइस के ऊपर, तो यहाँ पर इसको ये देखें संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आपको बस यही करना है कि आपको एक चक्कर लगा के आप जितने भी राउंड रख सकते हैं, रख लें, दो रखने, तीन रखने हैं, अपनी मर्ज़ी से आप राउंड रख सकते हैं। तो चलें अब आगे गेम की तरफ चलते हैं। ये आपको मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ, ये गेम तो ऊपर से कुछ इस तरह की दिखती है। उन्होंने थोड़ी चेंज बनाई थी, मैंने थोड़ी चेंज बनाई है पहले वाले से जो उन्होंने बनाई थी। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। और गाइज़, यहाँ तेज़ भागने के लिए मुझे एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि किस तरह भागते हैं, तो आपको क्या करना है, बस ये सामने वाला जो एरो है आपको इसको दो दफ़ा क्लिक कर देना है, इससे आपका बंदा तेज़ भागने लग जाएगा। तो चलते हैं अब फाइनल गेम की तरफ, जो आखिरी गेम है, तो वो है ये एलाइट्रा वाली गेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने ऊपर जाने के लिए लैडर लगा दिए, यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही बना दिए। यहाँ पे चेस्ट लगे जिसके अंदर आपको एलाइट्रा और फायरवर्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इस गेम में आपको क्या करना है, सामने जो मैंने स्टोन के बनाए हुए हैं ये चेक पॉइंट्स हैं, तो ये आपको इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको इसके अंदर से जाना है। तो ये काफ़ी मुश्किल है इसके अंदर से जाना, तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ अंदर से जाने की, मेरे से जाया जाता है या नहीं।
और एक में से चला गया हूँ, इस तरह तीनों में से अंदर से जाना, जो सबसे पहले चला गया वो जीत जाएगा। तो गाइस अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही सारी गेम्स थी जो उन्होंने भी अपनी दुबई सिटी में बनाई थी लाइव इंसान के साथ खेलते हुए। और गाइस अगर आपको किसी वर्ड का डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा वर्ड है, आपको किस वर्ड का डाउनलोड लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलें गाइस आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। और गाइस अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।